क्वेश्चन है हमारा, द पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन एट लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक ऐसी करके एक छोटी सी ड्रॉप है, ऐसी आठ ड्रॉप है, ठीक है, माने इसकी रेडियस आर है, ऐसी आठ ड्रॉप है और इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनेगी है, उसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। एक बार फिर से सुनना, ये लिक्विड ड्रॉप ऐसी आठ है, उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी है। तो वो ये कह रहा है यदि इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि लिक्विड ड्रॉप और व्हेन एट लिक्विड ड्रॉप आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ ईच सिंगल ड्रॉप, तो इसका वी डैश मान लेता हूं, तो ये वी डैश क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इस अकेली का क्या होगा। तो कैसे करें इस सवाल को, तो ये तो आपको पता होगा लिक्विड ड्रॉप पे जो चार्ज आ जाता है उस पर हम एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ही पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इनकी रेडियस में रिलेशन बताना, इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो बराबर होगा, तो 8 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसकी रेडियस स्मॉल आर क्यूब बराबर होगा इस पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर कट गया, ये 8 r³ बचता है यहाँ पे, ये हो गया कैपिटल आर क्यूब, इसको क्यूब रूट ले लो दोनों ओर का, तो 2 r = R। ये इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में रिलेशन हो गया। अब आप बताइए यदि हम इसका पोटेंशियल निकालते तो वो k, ठीक है, अच्छा इस पे जो चार्ज मान लेते हैं q और इस पे चार्ज मान लेते हैं q डैश, इस पे चार्ज यदि q है तो इस पे q डैश होगा, तो ये तो तुम ये समझते हो ना कि q डैश q बाई 8 होगा। क्यों होगा q बाई 8? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ऐसे समझो यदि इस पे चार्ज q है, ऐसे समझते हैं इस पे चार्ज q है, तो ऐसी आठ ड्रॉप मिला के इस पे चार्ज हो जाएगा q = 8q। क्यू कुल मिला के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हो जाएगा। चलिए अब इसका पोटेंशियल निकालते हैं, इसका पोटेंशियल होगा KQ/R, इसका पोटेंशियल होगा KQ/R, और इसका पोटेंशियल क्या होगा वी डैश, इसका पोटेंशियल होगा K, इसका चार्ज और इसकी रेडियस। जब इसका पोटेंशियल निकाला तो K, इसका चार्ज, इसकी रेडियस, और जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो K, इसका चार्ज, इसकी रेडियस, तो डिवाइड कर देते हैं, बाकी आपका आ ही जाएगा। बताना वी डैश अपॉन वी कितना आ गया, वी डैश अपॉन वी कैसे K कट जाएगा, Q अपॉन कैपिटल Q, क्योंकि वी डैश अपॉन वी कर रहे हैं Q अपॉन Q, और R अपॉन स्मॉल R, तो Q की जगह Q रख देता हूँ, इस कैपिटल Q की जगह 8Q रख देता हूँ, कैपिटल R को 2R रख देता हूँ, और ये R, तो इधर R से R कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 1/4, यानी V डैश अपॉन V, तो जो V डैश होगा वो V/4 होगा, V/4 V कितना था 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट था, 20/4 यानी 5 वोल्ट, यानी एक लिक्विड ड्रॉप का ये आएगा ऑप्शन C। ओके,